सुपाच्य होने के साथ पोषण से भरपूर होता है खमीर उठाकर बनाया भोजन। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सेहत से जुड़ी विशेष खबर। भारतीय भोजन पोषक तत्वों से भरा होता है। भारतीय भोजन की थाली में जो भी भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं वे एक दूसरे आहार के गुणों को और भी बढ़ा देते हैं। खमीर उठाकर बनाई गई भोज्य सामग्री सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। बात अगर इडली, डोसा, उपमा, खमन, ढोकला आदि खमीर बनाए गए आहार की करें तो उसमें पोषक तत्व और भी बढ़ जाते हैं। इसकी वजह उसका समीकरण और खमीर उठाने से उसमें उत्पन्न हुए जीवाणु है जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। आहार व पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी लोढ़ा के अनुसार खमीर उठाकर जो भोजन बनाया जाता है वह पाचन तंत्र के लिए भी बेहतर होता है। इन भोज्य पदार्थों को पचाना आसान हो जाता है। गर्भाशय में पाचन तंत्र को बेहतर रखने के लिए खमीर उठाकर बनाया गया भोजन और भी ज़्यादा लाभदायक होता है। उन भोजन में जो जीवाणु होते हैं वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं और पेट की सेहत बेहतर होती है। खमीर उठाकर बनाए गए भोजन से केवल पाचन तंत्र या पेट ही स्वस्थ नहीं रहता बल्कि इससे विटामिन B12 और B6 मिलता है जो शरीर के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। यह त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा होता है। खमीर उठाकर बनाया गया भोजन अन्य भोजन की तुलना में हल्का और सुपाच्य होता है क्योंकि उसे या तो भाप के द्वारा पकाया जाता है या फिर उसमें तेल की मात्रा नगण्य होती है। इसका लाभ यह होता है कि इससे भरपूर ऊर्जा भी मिलती है और भारी नहीं होने से आलस भी नहीं आता है। यही नहीं, यह जल्दी पच भी जाता है और इसे पचाने के लिए अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता है। इस भोजन के साथ सांभर, रसम, चटनी आदि का जो कॉम्बिनेशन होता है वह न केवल इसके स्वाद को बढ़ाता है बल्कि पोषक तत्वों को भी बढ़ा देता है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।